ओके गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ओके चलिए, आज सीधा सीधा ये रिपीटर्स के लिए सेशन है। ये सेशन जो है वो रिपीटर्स के लिए है। रिपीटर्स के लिए मतलब जो लोग तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, या जो लोग सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, या जो कहीं कोचिंग कर चुके हैं, उनके लिए सेशन है। और इस सेशन में मैं कुछ चीजों के बारे में जिक्र करूंगा कि कैसे एटलीस्ट आप मिनिमम 10 दिनों में, 10 डेज के अंदर अंदर अपनी यूनिट 1 को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ये यहां से आज का पॉइंटर शुरू होगा। गुड इवनिंग। तो मेरे साथ जरा ध्यान से, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए होगा, 15 मिनट चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, 15 मिनट चाहिए होगा। कहां से शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं। अगर आप यूनिट 1 को CSIR के सिलेबस डाउनलोड, जिन्होंने कर लिया वो लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, उसमें 10 सब यूनिट्स हैं, नेम्ड एज A to J, A B C D E F G H I J, मींस देर आर 10 सब यूनिट्स। ठीक, पॉइंट 1 हैज टू बी वेरी क्लियर। हर सब यूनिट से क्वेश्चन नहीं आता, कुछ पार्ट सी में प्रिवेलेंट होती हैं, डोमिनेट करती हैं, कुछ पार्ट बी में डोमिनेट करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन बाद में। पार्ट बी में 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, कुछ जगह ओवरलैप भी हो जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट सी में 6 to 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं ये अपर लिमिट लेके चल रहा हूं, कभी कभी ये 3 तक भी सिमट जाते हैं, कभी कभी, रेयरेस्ट, लेकिन 4 से 5 आप मान के चलिए करेंगे, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 8 to 10 मार्क्स पार्ट बी में, और 6 यानी 24 to 28 मार्क्स इन पार्ट सी। तो ओवरऑल 32 to 38 मार्क्स आउट ऑफ 200 ये यूनिट कंप्राइज ऑफ करती है, क्वेश्चन देके जाती है, तो मतलब सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के लिए नहीं है? ना ना ना, प्रेशर के लिए नहीं है। ये धक्के जो खा चुके हैं, जो पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए। अगर फ्रेशर ये चाहते हैं कि वो जल्दी से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और जो इन्होंने MSc BSc अच्छे से करी हुई है उनके लिए इफेक्टिव हो सकती है, अदरवाइज जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। काइंडली दे मे लीव द सेशन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ब्लेटेंट, ठीक है, जाने दीजिए, लीव इट। हाँ जो भी है, हाँ ठीक है। तो ओवरऑल क्या सीखने को मिला? 10 सब यूनिट है। सिलेबस जिसको नहीं याद है उसको सिलेक्शन कहां से होगा, सिलेबस भी तो याद कर लो पहले। यूनिट नंबर 1, 10 सब यूनिट, A B C D E F G H I N J, 10 पार्ट हैं। सिलेबस उठा के ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। 10 पार्ट में से पार्ट बी में मैक्सिमम 4 से 5, मैक्सिमम बता रहा हूं, 4 से 5, 4 मान के चलो भी ठीक रहेगा, तो 8 और उधर 6 या 7 क्वेश्चन, तो टोटल 32 to 38 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट का पेपर में रहता है। आपके पास जो पेपर आता है वो 400 कितने नंबर का आता है भाई, कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 200 एंड 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया, 300 नहीं, तो ओवरऑल 440 नंबर का पेपर आता है आपके पास, जिसमें से आपको सिर्फ 200 का करना होता है। मैथमेटिकली 440 मार्क्स का CSIR का पेपर होता है, जिसमें से 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और आयरनी क्या, आयरनी ये कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 125 मार्क्स पर सेफ हैं। मतलब अगर मैं 125 को 200 से डिवाइड करूं, या यूं कहूं कि 440 मार्क्स में से 125 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप एग्जैक्टली केवल 25% क्वेश्चन करके या 25% मार्क्स लाकर सिलेक्ट हो जाते हैं। है ना अमेजिंग, है ना अमेजिंग? नहीं, आपके पास 20, 50, 75
कि टोटल 440 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होते हैं, जिसमें से 200 मार्क्स के करने होते हैं, सिलेक्शन 125 पे श्योर एंड शॉर्ट हो ही जाता है जेआरएफ में, तो ऑलमोस्ट 25% ऑलमोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं सीएसआर बहुत टफ नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होता, थोड़ा सा टेक्निकली काम करोगे तो हो जाएगा, बहुत ऑप्शंस होते हैं। सीएसआर के टफ ना होने का बहुत बड़ा रीजन वो इसके पेपर का स्ट्रक्चर है, इसका पेपर का जो स्ट्रक्चर है ना वही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर पेपर को टफ करना है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम कर दीजिए, पेपर अपने आप टफ हो जाएगा, सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। खैर, तो सबसे पहले आप जो आपके पास 10 सब यूनिट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, जो आपके पास सब यूनिट्स हैं, इन सब यूनिट्स में पहली सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, अरेंज द सब एटॉमिक पार्टिकल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऑर्डर, जो उनका इंक्रीजिंग मास है उसके ऑर्डर में आपसे रखने को बोला है। मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो यूनिट वन है उसका पार्ट ए है उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए क्वेश्चन रखा हुआ है। तो जहां कहीं भी आप पूरे पेपर में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन देख लें, वहां समझ लीजिएगा कि ये यूनिट वन के पार्ट ए से ताल्लुक रखता है, उससे संबंध रखता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। दूसरा, आइसोटोप से क्वेश्चन बन जाते हैं, आइसोटोप भी आ जाए तब भी, तो काम की चीज, तुम्हारे काम की चीज, जिससे तुम बोर नहीं होगे, है ना, बोर बड़ी जल्दी हो जाता। कैसे पढ़ोगे, एटॉमिक नंबर पढ़ लो, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लो, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लो, एटॉमिक वेट पढ़ लो, एटॉमिक रेडियाई पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ लो, के आई ईज पढ़ लो, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लो, केमिकल बॉन्ड्स स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन और एनर्जी पढ़ लो। ठीक, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये पहली बार पढ़ेंगे या दूसरी बार पढ़ेंगे? बाबू प्लस टू में तो बहुत बार पढ़ा होगा, तो बस ये यूनिट आपके प्लस टू से ओरिजिनेटेड है, तो तैयारी भी रिविजन भी शुरुआत भी प्लस टू से ही होनी चाहिए, ताकि पुरानी यादें आपकी जो है वो रिवाइव हो जाए, आपने क्या क्या किया है वहां पर वो रिवाइज हो जाए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ठीक, इसीलिए 125 लिया था। तो आपको ये सारी की सारी चीजें 12th से पढ़नी है। अच्छा, 12th से पढ़नी है तो बुक तो मत उठाओ, बुक उठाने का टाइम नहीं है, क्योंकि तो हमने बोला ना 10 दिन में पूरी यूनिट वन कवर करानी है, तो 10 दिन में यूनिट वन करानी है, और ये आपका डे वन है, यानी कि आज आप सेशन लेके जाएंगे और कल सुबह जब अगर आप शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं, तो यहीं से शुरुआत करेंगे, और यहां से शुरुआत करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पढ़ना है, न्यूट्रॉन पढ़ना है, प्रोटॉन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियाई, KI, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, अगर कल से शुरू करते हो। इसको पढ़ने में तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अच्छा सा कोई YouTube चैनल निकाल लो प्लस टू लेवल का, जिसमें अच्छे से बहुत सारी चीजें बताई गई हों, खास तौर से KI, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बताया गया हो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया गया हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई हो, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से लेक्चर को देख लो, रिवाइज हो जाएगा। और कॉपी पेन लेके बैठना, संगीत नहीं सुन रहे हो, शास्त्रीय संगीत का अध्ययन नहीं कर रहे हो, केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हो, तो आराम से बैठ के पढ़ना, नोट्स बनाते हुए चलना, स्टेप नंबर वन। इसमें 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, बस 3 घंटे मान लो, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक, क्लियर, बोलो हां करेंगे। डे वन जो लोग भी करने आए बोलो, बताएं कि हां ये करेंगे। इतना, अगर कल से यूनिट वन शुरू करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कहो कि हां कल से करेंगे,
ठीक। तो 2 से 3 घंटे अपना कोई प्लस टू लेवल का, बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं, मैंने बहुत सारे एडुकेटर्स देखे जिन्होंने काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को तुम्हारे लेवल में बहुत अच्छे से समेटा हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन केमिकल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। इसको जरा फैन ऑन कर दो, दोनों ही ऑन कर दो, ठीक। तो कर लोगे 2 से 3 घंटे में, अगर कर लिया तो एक मान के चलो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। खैर अब क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, जिसके बारे में मैंने बात करी, मैंने मिनिमम लिखा हुआ है कि 2 घंटे ले लीजिए, रीड बेसिक्स फ्रॉम द 11th एंड 12th, और हर जो भी मैंने यहां मेंशन किया, अच्छा ये पीपीटी आपको अभी आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ये पीपीटी हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, और हर टॉपिक को यूट्यूब में जाके उनके नोट्स बना लीजिए। 2 से 3 घंटे से ज्यादा मत करिए। पीवाईक्यू 2020 से पहले, 2020 के से पहले के पीवाईक्यू में क्वेश्चन नंबर 21 से 23 अगर बुकलेट ए है, और 71 से 76 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हर पेपर 2012 से लेकर आज तक का सेलेक्ट कर डालिए, चेक कर डालिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर डालिए। हार्डली ए पार्ट से, यूनिट 1 के ए पार्ट से, जिसमें एटॉमिक नंबर मेंशन किया हो, एटॉमिक रेडियाई मेंशन की गई हो, कोई हैवी मेटल मेंशन किया गया हो, सोडियम पोटेशियम का जिक्र हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसका जिक्र हो, हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, हार्डली पीवाईक्यू में हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, लिख के रख लेना। यानी कि 20 पेपर्स जो आपके पास हैं, 20 पेपर्स जो हैं, उनमें 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हार्डली 30 मिनट्स लगेगा। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, नए क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत बेसिक है। तो पीवाईक्यू लगा डालिए, और कम से कम 50 पीक्यू लगा डालिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा डालिए, कम से कम 1 घंटा यह लगेगा। तो 4 से 5 घंटे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड रेडी हो जाएगा कल की डेट में, अगर अच्छे से किया तो, नहीं किया तो छूट जाएगा। यूनिट 1 पार्ट A सुन ले, जो कल से करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और मैं कह रहा हूं हो जाएगी, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियाई, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये किसी भी यूट्यूब चैनल से उठा के पढ़ लो, बुक में पढ़ने बैठोगे पूरा सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। तो कल की डेट में जाके ये 4-5 घंटे स्पेयर करो, और लग के 2.5 से 3 घंटे इनका मैटर तैयार कर लो, इनकी चीजें तैयार कर लो, पहला। दूसरा, 2012 से लेकर 2020 तक 22 तक में 5 से 6 पीवाईक्यू मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लो। और अगर तुमने टीपीपी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां वीडियो सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो उन वीडियो सोल्यूशन को पूरा कर डालो। फिर 50 क्वेश्चन एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, बाबू बच्चा अगर ये तुमने लगा लिए ना, 50 PQ लगा लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल कल शाम को मुझे इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहां गया। तो तुम कल 5 घंटे में यूनिट 1 का पार्ट A तैयार कर सकते हो, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, तरीका मैंने बता दिया, और मिल जाएगा, आराम से कर लो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तैयारी कहां से शुरू करें, वहीं से शुरू करो ना जहां से पहले की थी, यही वो जगह है, यही वो फजाएं, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे Isn't it? बिल्कुल, बहुत सारा बच्चा पूछता है, एकदम चरस करके रखी हुई, सर कहां से शुरू करें, बस वहीं से शुरू करो ना जहां से उनसे मिले थे, CSIR के सिलेबस से मिले थे नहीं, CSIR का सिलेबस जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू करोगे, हाँ तुम लोग तो गलती ट्रेन पकड़ लेते हो यार, ऐसा नहीं किया करो। डन। कितने लोग सच में खुद को प्रॉमिस करके बताओ, कितने लोग कल की डेट में खत्म करेंगे,
सच्चे ईमानदारी से, अगर वाकई में 10 दिन के अंदर खत्म कराऊंगा, वादा है मेरा 10 दिन के अंदर यूनिट 1 विद द रिवीजन विद द प्रैक्टिस, बस जैसा बता रहा हूं वैसा करके देखो, एक दिन करके देखो मेरे हिसाब से, एक दिन मुझे एक दिन दे दो, अगर नहीं अच्छा लगे छोड़ देना, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मत आना, डन प्रॉमिस। चलो कल के दिन का ये एक दो दिन और ले लो, अगले दिन क्या करो, मतलब परसों का दिन, परसों का दिन किसके लिए, परसों का दिन क्या होगा बताओ, परसों कौन सा दिन है, परसों कौन सी डेट है, कौन सी दिन है, कौन सा क्या है, आज थर्सडे है, परसों सैटरडे है, सैटरडे को यूनिट 1 का पार्ट भी उठा लो, पहले से बता देता हूं 7 घंटे लगेंगे, तो सैटरडे इज अ गुड डे, सैटरडे अच्छा दिन है, छुट्टी का दिन है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा क्योंकि तुम लोग वीकेंड के मोड में आ जाते हो, 7 घंटे निकाल सकते हो, रात में भी बैठोगे 4 बजे से, शाम को 5 बजे से बैठोगे, तो भी संडे की सुबह होते होते निकाल ले जाओगे। इसमें अच्छा है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेंशन तो जरूर है, पढ़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि सीएसआईआर वालों ने प्रोटीन के लिए भी सेपरेट सब यूनिट दे रखी है और न्यूक्लिक एसिड के लिए भी दे रखी है, तो अल्टीमेटली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इससे खत्म है, तो बचता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड विटामिंस, 3 चीजें पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट से कभी कभार क्वेश्चन आ गया, पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो 5 बार आया, लिपिड से उठा के देखोगे तो 3 से 4 बार आया, विटामिन से खूब आया है, 8-7-8 बार आया हुआ, खूब आया हुआ, झेल के आया हुआ है ना, खूब झेल के आया। तो मान के चलो कि 7 घंटे यूनिट 1 पार्ट बी को देने पड़ेंगे। हाँ थोड़ा सा टीडियस जॉब है, इतना पेशेंस बनाए रखना तुम्हारे लिए थोड़ा इंपॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सैटरडे, हाँ कोशिश कर लेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करें। कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हाँ देखिए इधर ऐसे कर सकते हैं। अरे बाबू कहाँ चले गए, भाग जाते हो तुम तो हैं, हाँ ऐसे कुछ मत करो, 5-membered, 6-membered मोनोसेक्राइड आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स याद करो, क्वेश्चन मिलेगा, हेमी एसिटल हेमी कीटल फॉर्मेशन क्वेश्चन मिलेगा, ये हो गए स्ट्रक्चर दोनों, और बाजा जाओ फंक्शन पे, ग्लाइकन्स और प्रोटियोग्लाइकन से क्वेश्चन मिलेगा। आश्रम मैम के लेक्चर्स अभी भी पब्लिक हैं, नहीं है, है नहीं है, तो आश्रम मैम के पब्लिक हैं, कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर्स पब्लिक हैं यूट्यूब पर, पूरा उन्होंने पढ़ाया A to Z पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, 3 या 4 लेक्चर हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, फास्ट फॉरवर्ड वे में देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे 2 घंटे में ये पूरा हो जाएगा, पूरा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू 5 से 6 मिलेंगे, फिर से वही टीपीपी में जाओगे आराम से, 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक, या 71 से लेकर 76 तक, फिर से याद रखो 2012 से 2012 से लेकर अभी तक, 21 से लेकर 23 तक या 71 से लेकर 76 के बीच में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 6 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 5 से 6 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 घंटे में रिवाइज होगा विद द नोट्स, मैंने आपको तरीका बता दिया कहां से करना है, कहां से, आश्रम मैम के लेक्चर्स पढ़े हुए, आश्रम मैम ने पूरा लेरिंजर, पूरी लेरिंजर लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, वो लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से याद कर डालिए, उन लेक्चर से आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, करेंगे। तो पहला सैटरडे का जब शुरुआत करेंगे पार्ट यूनिट 1 पार्ट बी की, तो कार्बोहाइड्रेट से करेंगे, 2 घंटे देंगे, और 2 घंटे देने के बाद लिपिड्स पर आ जाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा, लिपिड्स में मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लिपिड्स के मेरे लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा, नहीं है तो जहां भी पसंद आ रहा वहां देख लो यार, जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे से ही देखो, तुम्हें जिसने कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, मैं तुम्हें उनको बता रहा हूं, जिन्होंने कोचिंग नहीं करी है, जिन्होंने कभी किसी चीज की सेल्फ स्टडी करी है, उनके शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर उन्हें मेरा अच्छा लग रहा है, किसी का भी अच्छा लग रहा है, कर लो, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो तुम्हें फॉलो करनी है। तो लिपिड्स में क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड, लिपिड में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड फॉस्फोलिपिड, स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इनासिटाल वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट DPPC ढूंढोगे मिलेगा, DOPC मिलेगा, DSPC मिलेगा, ये जो नॉमन क्लेचर है ना ये आएगा। और स्ट्रक्चरल एंट्रोपी पैकिंग कैसे होती है वो पढ़ लेना, स्फिंगोलिपिड और डिजीज पढ़ लेना, इसमें भी 1.5 घंटे से 2 घंटे लगेगा, लिपिड हो जाएगा, आराम से लिपिड हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, क्या करना है, हम निमित्त मात्र हैं, वहां एग्जाम में आशीष सर नहीं याद आएगा, आशीष नहीं याद आएंगे, वहां याद आएगा कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड में क्या याद, आशीष सर की शक्ल नहीं याद आएगी। आशीष सर का पता क्या याद है, नालायक पढ़ लेते तो याद आ गया होता, बस इससे ज्यादा नहीं याद। जब पंखा ऊपर देख रहे होगे तो वहीं पे मैं तुम्हें झांकता हुआ दिखाई दे रहा हूं, गधे पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता, पढ़ा ही नहीं तुमने। तो पढ़ लेते तो बहुत अच्छा, तो आशीष सर नहीं याद आएंगे, टेंशन लेने, हाँ इसका ऑर्डर पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो पढ़ लेना, तो ये मिल जाएंगे, 2 घंटे इसमें लगेंगे। फिर इसके बाद क्या बता जल्दी से, 3 चीजें पढ़नी है, यूनिट 1 पार्ट 2 में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, कौन सी, कार्बोहाइड्रेट लिपिड और वाइटमिन्स, और खास बात पता है क्या, ये पढ़ना बस, इसके अलावा विटामिन में कुछ नहीं पढ़ना, आ जाएगा तो तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम कर भी नहीं पाओगे, हम तुम्हें पहले बता दे रहे हैं, हम बता रहे हैं विटामिन में इसके अलावा, इस टेबल के अलावा कुछ आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, और कोशिश भी मत करना, कह देना मान लेना वो मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करता हूं। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूं, वही वाला गाना चलेगा, हाँ बस बस विटामिन में इसके अलावा कुछ आ जाए बस, ठीक है, क्लियर नहीं, अरे सुनो सुनो भाई, तो इसको करने में तुम्हें कितने घंटे लगेंगे, इसको करने में हार्डली 1 घंटा, लेकिन ये याद नहीं होने की, कतई नहीं याद होने की, जो तुम कार्बोहाइड्रेट लिपिड और विटामिन पढ़ के आए हो उसमें इतना फैक्चुअल है, जब तक तुम उसके PYQ, तो छोड़ दो PYQ तुम्हें 20 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और कम से कम PQ 200 लगाने पड़ेंगे बच्चा, सैटरडे की डेट में कार्बोहाइड्रेट लिपिड और विटामिन की ये टेबल, और टेबल में ये फंक्शन ये वाला कि ये CO2 ट्रांसफर करता है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, H इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये फलाना ये, इसको करने में तुम्हें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और फिर 200 क्वेश्चन मतलब 7 से 8 घंटे का प्रोग्राम तुम्हारा सेट है, बिल्कुल 7 से 8 घंटे तुम्हें इस पार्ट बी को देने पड़ेंगे। मैं ये अभी मैं आ रहा हूं कि इतना क्यों करना है, इतनी जल्दी क्यों है, मैं बताता हूं ना क्यों करना है, परेशान क्यों हो रहे हो, बता रहा हूं। तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और विटामिन्स के लिए इंस्टेंट टेबल मौजूद है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिपिड्स के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने नोट्स ले लो, यूट्यूब ले लो, जहां से जो मिल जाए वो ले लो, लेकिन कोशिश करो वो पढ़ना जो तुमने पहले पढ़ के रखा हो, या तुम्हारी नजर में वो लेक्चर जिसमें काफी कुछ इनसर्कल्ड हो, काफी कुछ कंप्लीट किया गया, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से सेलेक्ट कर लो कि हमें कल की डेट में ये लेक्चर कंप्लीट करने हैं, चाहे मेरे हो, आशना के हो, या कोई भी अच्छे एडुकेटर हैं, बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स हैं, उनके लेक्चर सेलेक्ट करके रख लो, उनको देख लो और उनके नोट्स प्रॉपरली बना लो। मैं ये फिर से कह रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी रिपीटर के लिए, प्रेशर के लिए नहीं है, प्रेशर डिप्रेशन में आ जाएगा, इसलिए डिप्रेशन में मत आना, तुम आराम से मोहब्बत से दो साल का टारगेट बना के याद करना, है ना, आराम से साल दो साल का टारगेट बना के याद कर लेना। फिर इसमें तुम्हें करने में कम से कम 4 घंटे 4 to 5 hours लगेंगे, और 4 to 5 hours का मतलब डिपेंड करेगा इंडिविजुअली, 200 PQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कम से कम 20 PYQ लगाने में तुम्हें 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, अगर अच्छे से करोगे तो 8 घंटे का सैटरडे का प्रोग्राम सेट है। दोस्तों से मना कर देना, भैया सैटरडे हम थोड़ा व्यस्त हैं, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा काम ज्यादा है, मत बताना कि हमें पढ़ना है, बताओगे पढ़ना है तो नजर लग जाती है। हाँ, हम लोग इंडियंस काले हैं ना, श्यामल वर्ण है,
तो बिल्कुल पढ़ने वाली बात मत बताया करो कि बस यार सो रहा हूं, बहुत तेज नींद आ रही है आज, पता है रात भर जो है पिक्चर देखे पूरी, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज निपटाई है, तो रात भर पढ़े हैं, रात भर मूवी देखे, दिन में सोना है ना, या रात में बहुत दिन से वो नेटफ्लिक्स वाली सीरीज जो है वो अटकी पड़ी थी, मैं एग्जाम के चक्कर में देख नहीं पा रहा था, एंड नोबडी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम पढ़ रहे होगे, क्योंकि एग्जाम के तो अभी कुछ आता ही पता नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो इसी में, आधे नहीं 99.99% तो इसी चक्कर में फंसे हुए कि एग्जाम कब होगा, और तुम लोग अगर उस कैटेगरी में आना चाहते हो कि मेरा एग्जाम में कब होगा, तो तैयारी शुरू कर दो। देखो दो कैटेगरी है, एग्जाम कब होगा 99.99% वाले लोग हैं, मेरा एग्जाम में कब होगा 0.01% वाले लोग हैं। तुम अगर इसमें आना चाहते हो तो फिर शुरू कर दो, बहुत सिंपल है, क्लियर? तो मेरा एग्जाम में कब होगा उससे जो लोग ये करना चाहते हैं वो शुरू करें। तो 5 घंटे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन्स, विटामिन्स में सिर्फ एक टेबल, नोट्स टेलीग्राम में मिलेंगे, आराम से जाइए पढ़ लीजिए। फिर 200 PQs बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अगर 200 PQs नहीं लगाए, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो कुछ नहीं होने वाला। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसने समझ लो, जिसने भी प्रैक्टिस नहीं करी समझ लो कि उसका कुछ नहीं होने वाला, लिख ले कहीं लिख ले। तो पार्ट सी और पार्ट बी दोनों में कंट्रीब्यूशन होता है, वही 21 से लेकर 23 तक के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, 71 से 76 के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, 7 घंटे से 8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, तैयारी कर लीजिएगा सैटरडे की। फिर इसके बाद आ जाइए, रुकिए आ जाइए, कम से कम मिनिमम 50, इन्होंने मैंने 150 लिख दिया था लेकिन आप 200 मान के चलो। ये मिलेंगे कहां? देखो सबके पास अपनी अपनी जुगाड़ होती है, हमारे पास जुगाड़, अगर हमारे पास आओगे तो हम जुगाड़ एक ही देंगे, टीपीपी में जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे 4-5 सेक्शंस मिलेंगे, यूनिट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला टेस्ट टैब मिलेगा, उस पे क्लिक करोगे, यूनिट 1 पे जाओगे, यूनिट 1 पे क्लिक करोगे तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट सब मिलेंगे, और सब में तुम्हारे जी भर के, तुम्हारे अफराने भर को, अफरना मतलब समझते हो ना, पेट भरने वाले क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, बहुत आराम से मिल जाएंगे। बहुत प्यार से मिलेंगे। तो हमारे पास तुम्हारे लिए जुगाड़ ये है कि 1100 रुपए में टीपीपी ले लो, मस्त होके आराम से प्रैक्टिस करो, जी भर के यूनिट टेस्ट दे दो, तब देना जब पहले कंप्लीट तो कर लो, 10 दिन में यूनिट कंप्लीट करोगे तब यूनिट टेस्ट देने लायक बनोगे, वरना फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, मैं पहले से बता दे रहा हूं। तो पहले करो ये कि अगर आज ए लगाया है तो टीपीपी धारक, धारक मतलब सब्सक्राइबर्स, टीपीपी सब्सक्राइबर्स यूनिट 1 में जाएं, पार्ट ए में जाएं और वहां जाके क्वेश्चन लगा लें, कल परसों पार्ट बी पढ़े, पीक्यू लगा ले, पीवाईक्यू भी वहीं मिलेंगे वो भी लगा ले, आराम से संतुष्ट होके सोए एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक डन। तीसरे पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, वैंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आधे लोग तो ऐसे जिन्होंने, अच्छा मेरे सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है नहीं कुछ तो होंगे ना, अच्छा कितने लोग ऐसे जिनको लग रहा है हरिया मेरे सिलेबस में ये भी लिखा है कोई कोई है, कोई है ऐसा, सच्ची बताओ है? कोई है ऐसा हाइदैया मेरे सिलेबस में ये भी कोई नहीं है, सब समझदार है नाना नहीं क्या कौन पूछ रहा है अगला एग्जाम कब होगा? अरे प्रभु स्वागत 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 अभिनंदन वंदन, जो आपने सेंटेंस लिखा है उसमें बढ़ा लीजिए, मेरा एग्जाम में कब होगा, मेरा एग्जाम में कब होगा, आपका आंसर आपके पास होगा,
चलिए कर यूनिट वन पार्ट सी स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। यूनिट वन पार्ट सी स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, खास बात, इसको भी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत अच्छे एडुकेटर हैं जिन्होंने वेंडरवॉल इंटरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। प्लस टू लेवल पर देखोगे तो मिल जाएंगे, काफी फेमस एडुकेटर हैं, काफी सस्त, जो चैनल अपने आप को सबसे सस्ता मद्दा, सबसे वेल अवेलेबल बताता है, उसी के केमिस्ट्री के टीचर हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत ले ले क्या, पंकज सर करके हैं, चलो मेरे को क्या करना है, मैंने कौन सर है, पंकज हैं तो दाढ़ी वाले जो फिजिक्स वाले टीचर, उनका एक वेंडरवॉल का एक लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है, मैंने भी देखा, प्लस टू लेवल का लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है, हाँ फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का, उनका एक पंकज सर है, पंकज सर में वेंडरवॉल का पोलर इंटरेक्शन, ए पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन का एक बड़ा अच्छा सा वीडियो है वो, और वो उनका तब का वीडियो जब वो फिजिक्स वाला में नहीं थे, तो वो लेक्चर है, उस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन के बारे में काफी अच्छी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, एक घंटे का लेक्चर है, मस्त होके तुम्हारे सीएसआईआर के भाई साहब जितने भी क्वेश्चंस है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आंसर आए ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मैंने जो पढ़ाया वो तो छोड़ ही दो, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, मेरा पढ़ाने देखने से पहले मैंने, अगर मेरा प्राइवेट हो गया होगा, मुझे मालूम मेरा तो प्राइवेट ही होगा, तो लेकिन वेंडरवॉल पढ़ने के लिए उनका देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उन्होंने पढ़ाई हुई है, तो वो लेक्चर्स प्लस टू लेवल के लेक्चर्स है, दो घंटे लगेंगे, देख लेना। प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी वेंडरवॉल को देनी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक को देनी है, नहीं वेंडरवॉल को देनी है और हाइड्रोजन बॉन्ड को देनी है। ध्यान रखिए, इस यूनिट वन के सी पार्ट को करने के लिए, संडे को करना है तुम्हें, ये संडे को पूरा करना है, हां मैं बता रहा हूं, 10 दिन तक नॉन स्टॉप पढ़ना है, 10 दिन तक नॉन स्टॉप पढ़ना है। 10 दिन के बाद 5-7 दिन का रेस्ट लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। 10 दिन तक नॉन स्टॉप रनिंग करनी है, फिर रेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट तैयार करेंगे। पहले करना यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरी यूनिट वन तैयार करनी है। उसमें भी क्या, सबसे पहले वेंडरवॉल के लिए क्या करना है, यूट्यूब लेक्चर्स देखने, यूट्यूब लेक्चर देख लो, 12th लेवल का जरूर देखना, 12th में पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन दिया हुआ, बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स नहीं अच्छे होते, हाँ ये कर लीजिएगा, डन। क्या क्या कह रहा है सर, मैंने पढ़ा है, हाँ अच्छा लेक्चर है, हाँ बिल्कुल अच्छा लेक्चर यार, जो अच्छा है वो अच्छा है, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते ना। सोने की चमक, कस्तूरी मृग की खुशबू, उनकी जो जो नाभि में पाया जाने वाला पदार्थ है, उसका जो महक है, एरोमा है, वो किसी से रुक नहीं सकती। कुछ अच्छा है ना तो वो रुकेगा नहीं, बढ़ेगा ही। कोई अच्छी चीज ना हीरा ना लाइट, कुछ भी प्रकाश, हीरा कुछ भी अच्छी चीज, गोल्ड सोना जो भी है, किसी के दबाने से सालों साल, हो सकता है 200 साल दबा रह जाए, 300 साल, लेकिन निकलता जरूर है और वो लोगों को दिखता है। मिट्टी नहीं दिखती, लेकिन मिट्टी में दबा हुआ सोना जरूर दिखता है, 200 साल बाद दिखाई दे लेकिन दिखता है। उसी मिट्टी में चांदी के सिक्के भी दबे रहते हैं, तो उस मिट्टी को नहीं लोग देखते, चांदी के सिक्कों को देखते हैं। तो जो अच्छी है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, वो आज नहीं तो कल रिकॉग्नाइज होंगे, मिट्टी में होंगे लेकिन मिट्टी से बाहर आएंगे। जब लोग खोदना शुरू करेंगे, जब लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो वो जरूर बाहर आएंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए तो देखिए, इधर क्या पढ़ना है, इन इंटरैक्शंस में क्या पढ़ना है, इन इंटरैक्शन में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है बॉन्ड्स की, वीक बॉन्ड्स की, वेंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिन इंटरैक्शन, ध्यान दो, वेंडरवॉल, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मिलता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है, वेंडरवॉल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कई बार पूछा गया है, गड़बड़ नहीं करना। ग्राफ्स, प्लॉट्स कई बार पूछे गए हैं, कई कई बार बेल शेप प्लॉट पूछा गया, और केमिस्ट्री पूछी गई है, बनते कैसे हैं। इसी केमिस्ट्री को तुम्हें 12th लेवल के YouTube सेशन से देखना है। ठीक, इसी से ये देखना, और इसको करने में तुम्हें 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे, और 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने, नहीं मिलेंगे तुम्हें, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। तुम लिख के रख लो,
अभी मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं, जिसमें यूनिट वन के पार्ट सी के स्पेसिफिकली 100 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएं, नहीं है, केवल टीपीपी में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, लिख के रख लेना, मिल जाए तो बता देना, पहली बात। ठीक, अब बोर हो गए होगे? नहीं बोर हुए कि नहीं हुए? अब काम की चीज समझो बहुत ध्यान से। आज हमने आपको 3 दिन की स्ट्रेटेजी बताई, यूनिट 1 ए बी और सी की, डी ई एफ जी एच आई और जे, ये छोड़ दिया। पहले ये 3 कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैंने कंप्लीट किया है, अगली स्ट्रेटेजी बताइए क्या पढ़नी है। इसी लेक्चर में बताओगे तब अगला पार्ट लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। फालतू फंड के स्ट्रेटेजी सेशंस का कोई मतलब नहीं है, अगर उसको फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, उसको रूटीन करो, उसको चेक करके देखो क्या ये अचीवेबल है, क्या ये डूएबल है, नहीं है तो बात है, तब तो मैं संडे को आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा, छोड़ दूंगा, डन। जितने लोग भी देख रहे हो इस सेशन को, अंत तक देख रहे हो, जिन्होंने अभी तक इस सेशन को देखा है, वो लोग कमेंट बॉक्स में संडे को जब मुझे बताएंगे कि सर मैंने 3 दिन प्रैक्टिस करी है, ये डूएबल है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और मुझे अब यकीन हो रहा है कि मैं निकाल ले जाऊंगा या निकाल ले जाऊंगी, देन आई विल कम बैक एंड स्टार्ट द पार्ट सेकंड। और ऐसा केवल यूनिट 1 के लिए नहीं होगा, यूनिट 2 के लिए भी होगा, यूनिट 3 के लिए भी होगा, यूनिट 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए श्रुति मैम आएंगी, 6 के लिए मैं फिर आऊंगा, 7 के लिए श्रुति मैम आएंगी, 8 के लिए आशुतोष सर आ जाएंगे, 9 के लिए आशुतोष सर आ जाएंगे, 10 के लिए आशुतोष सर आ जाएंगे, 11 के लिए आशुतोष सर आ जाएंगे, 12 के लिए विधि मैम आ जाएंगी और 13 के लिए मैं फिर आ जाऊंगा। मैं पूरा 10 दिन पूरा बताऊंगा, 3 बताया फिर 3 बताया 3 बताया, तो मेरे हिसाब से करते चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं सुनो, मैं क्यों स्ट्रेटेजिकली कह रहा हूं, अगर आप केवल 10 यूनिट तैयार करना चाहते हैं, 2 मिनट का समय दे दो, फालतू बकवास नहीं करूंगा, मैं ये चाहता हूं जब भी एग्जाम हो तो आप 10 यूनिट के साथ जाइए। मैं नहीं कहना चाहता कि एग्जाम फेब में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जून में होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं ये मान के चलता हूं कि 10 यूनिट तैयार करके जानी है तो 10 × 10 यानी 100 डेज, 100 डेज की स्ट्रेटजी प्लस हर यूनिट के बीच में शुरू में 5 दिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है, जैसे जैसे तुम्हें आदत पड़ जाएगी हम घटा के इसको 2 दिन कर देंगे, तो ऑलमोस्ट 120 डेज की स्ट्रेटजी है ये। अगर आप 120 डेज में 10 यूनिट अभी पढ़ लेते हैं तो मैं मान के चलूं कि आने वाले 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो आने 130 डेज में एक बार और इंपॉर्टेंट यूनिट रिवाइज हो जाएंगी, याद रखिएगा बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएंगी, कहीं बार बार भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन तपस्या है, 120 दिन की तपस्या है, अगर लगे रहोगे तो मैं भी लगा रहूंगा, बताते रहोगे तो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताता रहूंगा, कोई करना नहीं है, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखो आवे, बिल्कुल मोहब्बत से पढ़ते जाओ, मैं बताता जाऊंगा कहां से पढ़ना है, बिल्कुल वहीं से पढ़ लो, आराम से चीजें हो जाएंगी, क्लियर। अरे ठीक है यार रजिता मिश्रा, चलता है सब चलता है मेरे साथ, 120 दिन, तुम जब मुझे बताओगे हर सेशन के बाद मुझे बताओगे तभी मैं अगला पार्ट लूंगा, क्योंकि मैं मानूंगा कि जो लोग आज से लड़ना शुरू करेंगे और 120वें दिन तक साथ में है वही लोग हैं मेरा एग्जाम में कब होगा, बाकी लोग वो हैं कि एग्जाम कब होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, दोबारा बताओगे नहीं तो आऊंगा नहीं, थैंक यू।